दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ब्लेंडर मैन हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट नहीं देखे तो पहले आप जाके उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जैफ की बातें सुनकर बुल्ली बोलता है, मैं गुल्ली का भाई हूँ, तुम मुझे मार सकते हो तो मार लेना, लेकिन जरा पीछे तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद जेफ द किलर अपने पीछे देखने लगता है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो बोलता है, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया। ये सुनकर बुल्ली बोलता है, अबे गधे, तू अपने पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे देख। ये सुनकर जेफ को गुस्सा आ जाता है और वो बुल्ली की तरफ मुड़ता है और बोलता है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि तुम्हारा दोस्त डर के मारे भाग गया है, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ये सुनकर बुल्ली बोला, ठीक है मार लेना तुम, लेकिन जरा ध्यान से ऊपर तो देखो, फिर पता चलेगा कि कौन है बाप और कौन है बेटा। और टेंशन नहीं है कोई बात, क्योंकि आ गया है तुम्हारा बाप। और तभी जेफ द किलर को कुछ दिखाई देता है और बोलता है, ये कौन है, देखने में तो बड़ा मस्त दिखा। अरे ये क्या, बाबा तो यहाँ पर आ भी चुके हैं। अब लगता है कि बाबा जेफ द किलर और ब्लेंडर मैन और दूसरे डेड बॉडी को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बाबा का सुपर एसटी मोड पहले से ही ऑन हो चुका है। बाबा थोड़ी देर तक तो जेफ की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से बाबा जेफ की ओर भागने लग जाते हैं। अब लगता है कि बाबा जेफ का काम पहले तमाम करेंगे। तभी बाबा एक ऊंची छलांग लगाते हैं और सीधे जेफ के ऊपर आकर उसे एक ही बार में मार कर ढेर कर देते हैं। बाबा की मार खाते ही जेफ द किलर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और उस डेड बॉडी जो कि शायद उस सेलर की है, उसको गुस्से से घूरने लगते हैं। और अब से मैं इसे सेलर का नाम देता हूँ, तो अब से मैं इसे सेलर ही बुलाऊंगा। और वो सेलर भी बाबा को ही देख रहा होता है। इसके बाद वो सेलर बाबा से बोलता है कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जेफ द किलर को मार के बड़े 30 मार खा मत बनो, जब तुम मुझसे लड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन जब बाबा उसकी बातें सुनकर नहीं भागते तो उस सेलर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बाबा को लास्ट वार्निंग देता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भागे हो, अब इसका अंजाम तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। इसके बाद वो सेलर बाबा पे हमला करने के लिए छलांग लगा देता है और बाबा भी ये देख कर कहाँ रुकने वाले थे, उनको भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो भी छलांग लगा देते हैं। बाबा उसे हवा में ही एक थप्पड़ लगा देते हैं, के बाद बाबा उसे जमीन पे पटक देते हैं। इसके बाद वो सेलर बेहोश हो जाता है और बाबा उसे देख रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शॉन को भी होश आने लगा है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद शॉन अपने सामने बुल्ली को देखता है और शॉन बुल्ली के पास भागकर जाने लगता है। बुल्ली के पास आते ही शॉन बुल्ली से बातें करने लगता है और इधर उस सेलर को भी होश आने लगता है और वो उठकर बैठ जाता है और वो अजीब तरीके से हिलने लगता है। ये देखकर बाबा को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद बाबा उसके पास जाते हैं और उसे उठाकर हवा में ले जाते हैं। बाबा उसकी हवा में ही घंटी बजा देते हैं। इसके बाद बाबा उसे घुमाते हैं और जमीन में लाकर घुसा देते हैं। इसके बाद बाबा अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं और बुल्ली और शॉन भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मजा शॉन को आया है, लेकिन तभी शॉन दूसरी तरफ देखता है और उसकी खुशी गम में बदल जाती है। आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया। और बुल्ली भी उधर जैसे ही देखता है, उसकी भी खुशी गम में बदल जाती है। अरे ये क्या, ये तो ब्लेंडर मैन है जो कि उठने की कोशिश कर रहा है, शायद इसे होश आने लगा है। और ये देखते ही शॉन बाबा को बताने लगता है कि बाबा वो देखिए वही है ब्लेंडर मैन जिसने मुझे मारा था और मैं बेहोश हो गया था, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और अभी वो उठने की कोशिश कर रहा है, बाबा उसे जला कर ख़त्म कर दो। और ये सुनते ही बाबा ब्लेंडर मैन को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें ब्लेंडर मैन दिखाई नहीं देता है। इसके बाद बाबा उसे देखने के लिए आगे जाते हैं और आगे आते ही उसे देखने लगते हैं। बाबा ब्लेंडर मैन को पहली बार देख रहे हैं
और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कोई आदमी इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और इधर ब्लेंडर मैन भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो बाबा को देखकर चिढ़ने लग जाता है, क्योंकि ब्लेंडर मैन को पता है कि बाबा ने ही उसके भाई सिलेंडर मैन को मारा था और अब ये इनसे बदला लेने वाला है। और बाबा भी इसे देखकर हैरान है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल सिलेंडर मैन जैसा है। और बाबा को भी याद आ चुका है कि ये सिलेंडर मैन जैसा दिख रहा है। और इसके बाद ब्लेंडर मैन जोर से चिल्लाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो बगल में पड़ी नाव को उठाता है और अपने पास लाता है। वो जैसे ही नाव को अपने पास लाता है वो नाव से बाबा पर हमला करने लग जाता है। वो नाव को फेंक कर बाबा के ऊपर फेंकता है और इधर बाबा को भी समझ में आ चुका है कि वो कितना ताकतवर है। उसके बाद बाबा अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड बनाते हैं और वो शील्ड इतना मजबूत होता है कि वो नाव जैसे ही उस शील्ड से टकराता है वो चिकना चूर हो जाता है और उसके टुकड़े जमीन पर गायब हो जाते हैं। इसके बाद बाबा अपनी शील्ड को हटाते हैं बाबा की ये ताकत देखकर ब्लेंडर मैन चिढ़ने लग जाता है और वो दोबारा जोर से चिल्लाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। इसके बाद ब्लेंडर मैन भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाता है और वो अपनी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर बाबा के ऊपर एक जोरदार लेजर बीम का हमला करता है। और बाबा भी ये देखकर समझ चुके हैं कि ब्लेंडर मैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद बाबा भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाते हैं और तभी गुल्ली और शॉन भी बाबा की तरफ देखते हैं, लेकिन वो लोग डर जाते हैं, कहीं बाबा के साथ कुछ हो तो नहीं गया, आखिर ऐसा भी क्या हो गया। जिसे देखकर गुल्ली और शॉन डर चुके हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा ने भी अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर लिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन ब्लेंडर मैन बाबा पर फिर भी भारी पड़ रहा होता है। इन दोनों की शक्तियों से बहुत ही जोरदार बिजली कड़क रही होती है और इससे पूरा भूकंप आ रहा होता है क्योंकि ये शक्तियों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इन दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो ब्लेंडर मैन हो या फिर बाबा। लेकिन तभी ब्लेंडर मैन की शक्तियाँ थोड़ी कमजोर पड़ने लग जाती है, लेकिन इसके बाद ब्लेंडर मैन और शक्तियाँ लगाता है, बाबा की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लग जाती है और फिर से ब्लेंडर मैन की शक्तियाँ कमजोर होती है और फिर से बाबा की होती है, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी रुक नहीं है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये बता पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। लेकिन तभी बाबा अपनी पूरी शक्तियों को ब्लेंडर मैन के ऊपर झोंक देते हैं जिससे ब्लेंडर मैन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और तभी देखते ही देखते उसकी शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं और इसके बाद बाबा अपनी लेजर बीम से ब्लेंडर मैन का सर उड़ा देते हैं और ब्लेंडर मैन वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद बाबा अपनी लेजर की शक्तियों को वापस लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं। और तभी गुल्ली को भी होश आने लगता है और वो उठकर खड़ा होने लगता है और उसका शील्ड भी हट जाता है। इसके बाद गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा उसे देखने लगते हैं और गुल्ली भी बाबा को ही देख रहा होता है। इसके बाद बाबा गुल्ली से पूछते हैं कि गुल्ली क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था और तुम लोग यहाँ पर कैसे फंसे। इसके बाद गुल्ली बाबा को सारी बात बताने लगता है कि किस तरह से इसे बायर का फ़ोन आया था और ये और शॉन यहाँ पर घर खरीदने के लिए, घर बेचने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही होने लगा। इससे पहले कि गुल्ली आगे की बातें बता पाता, जेफ द किलर को भी होश आने लगता है और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही बाबा को देखता है वो वहाँ से धूम दबा के भागने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि बाबा कितने ज़्यादा खतरनाक है और कितने ज़्यादा पावरफुल भी है। जेफ द किलर अपनी धूम दबा कर जान बचा कर भाग रहा होता है कि किसी तरह उसकी जान बच जाए और बाबा भी ये देख लेते हैं। इसके बाद बाबा गुल्ली से बोलते हैं कि गुल्ली तुम बुल्ली और शॉन तीनों जाकर गाड़ी का इंतजाम करो और गाड़ी को मेरे पास ले आना, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने। इतना बोलकर बाबा जेफ का पीछा करने लग जाते हैं, लगता है कि बाबा जेफ को नहीं छोड़ने वाले। और इधर बुल्ली और शॉन भी गुल्ली के पास आकर खड़े हो चुके हैं और बुल्ली अपनी गाड़ी को लाकर वहीं पर खड़ा कर दिया है और ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बुल्ली बोलता है कि तुम लोग अब बातें करना बंद करो, अब चलो बाबा के पास क्योंकि बाबा ने हमें बोला है
कि उनके पास हमें गाड़ी लेकर जानी है, तो जल्दी चलो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और इधर बाबा भी जेफ के पास पहुंच चुके हैं। बाबा जैसे ही जेफ के थोड़े करीब पहुंचते हैं, वो जेफ को एक जोरदार स्पीयर मार देते हैं, जिसकी वजह से जेफ वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाबा जेफ से बोलते हैं कि आज के बाद गुल्ली बुल्ली या किसी को भी मारने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा तेरा। इसके बाद ये सब लोग वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।